हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे भारत समाचार। आज लखनऊ में और देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से अब मिलेंगे लोग और धर्मगुरुओं ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की। लखनऊ की कई मस्जिदों में अदा की गई नमाज। टीले वाली मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज और होनी है आज। इसी के साथ देखिए, आज पूरा देश जो है वो ईद मना रहा है, ईद का त्योहार मना रहा है। असीफी मामबाड़े में 11 बजे ईद की नमाज। प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद है। देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से मिलेंगे कले लोग। धर्मगुरुओं ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की है। लखनऊ की कई मस्जिदों में अदा की जाएगी नमाज। टीले वाली मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज होगी। ऐशबाग ईदगाह में 10 बजे नमाज होगी। असीफी मामबाड़ा में 11 बजे होगी ईद की नमाज और प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद है। तो आज ईद का देखिए त्यौहार पूरा देश मना रहा। रमजान महीने के आखिरी दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है और ऐसे में आज के दिन पूरा देश ईद का त्यौहार मनाता है। ऐशबाग ईदगाह में देखिए 10 बजे नमाज अदा की जानी है। अलग अलग ईदगाहों पर यहाँ पर देखिए आज नमाज अदा की जाएगी। यहाँ पर धर्मगुरुओं ने मस्जिदों में नमाज अदा करने की लोगों से अपील की है। धर्मगुरुओं ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की। लखनऊ के कई मस्जिदों में आज नमाज जो है वो अदा की जानी है। टीले वाली मस्जिद में भी नमाज सुबह 9 बजे, ऐशबाग ईदगाह में 10 बजे, असीफी मामबाड़ा में 11 बजे होगी नमाज। क्योंकि पूरे देश से आज जैसी तस्वीरें आपको दिखने वाली हैं, जहां पर एक साथ खड़े होकर लोग आज रमजान महीने के आखिरी दिन ईद की नमाज जो है वो अदा करेंगे। आज ईद का त्यौहार पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा। आज हर कोई ईद की बधाई एक दूसरे को दे रहा और आज देश भर में ईद के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तकरीबन 1 महीने रमजान का महीना चलता है, जिसमें लोग रोजा रखते हैं और उसके बाद ईद के दिन रोजा खोलकर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। तो आज रमजान का आखिरी महीने का आखिरी दिन और इसी के चलते आज ईद का त्यौहार जो है पूरा देश मना रहा है। आज सुबह अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। पूरे देश भर में आज अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए धर्मगुरुओं ने भी अपील की और इसी के चलते आज ईद का त्यौहार तो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सुरक्षा के जगह जगह व्यापक इंतजाम किए गए हैं ईद के त्यौहार को लेकर। मुजफ्फरनगर में ईद के त्यौहार पर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट